नमस्कार दोस्तों, जनतंत्र टीवी के इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लंबी उम्र हर आदमी की ख्वाहिश होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए, लेकिन जीवन और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, यही हम अरसे से सुनते आ रहे हैं। पर अमेरिका के मशहूर लाइफस्टाइल उद्यमी डेव स्प्रे का मानना है कि स्टेम सेल्स उम्र बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। इसके लिए वो खुद अपने शरीर में स्टेम सेल्स डलवाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि उम्र बढ़ाने के लिए उनका ये तरीका बहुत जल्द घर घर में लोकप्रिय हो जाएगा। दरअसल अमेरिका के इस अरबपति कारोबारी का मानना है कि अपने शरीर में स्टेम सेल्स डलवाकर वो 180 साल तक जिंदा रह सकेंगे और ये तकनीक आने वाले साल में घर घर में लोकप्रिय हो जाएगी। जैसे कि मोबाइल फोन हो चुका है, डेव की उम्र इस वक्त 47 साल है। उनका ये मानना है कि इस तकनीक को अपनाने के बाद वो कम से कम 2153 तक जिंदा रह पाएंगे। इसके लिए वो अपने ही स्टेम सेल्स को निकालकर दोबारा अपने शरीर में डलवाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। इस पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इस तरीके को उन्होंने बायो हैकिंग नाम दिया है। आपको बता दें कि ये बेहद खर्चीली मेडिकल प्रक्रिया है, जिसमें एक सेशन पर करीब $25,000 यानी कि लगभग 18 लाख रुपए का खर्च आता है। उनका अनुमान है कि इस प्रक्रिया को अपनाए जाने के बाद कोई भी इंसान 100 साल की उम्र में भी खुद को ज्यादा ऊर्जावान और खुशहाल महसूस करेगा। अपने ही शरीर में दोबारा स्टेम सेल्स डलवाने के बारे में डेव का कहना है कि युवा अवस्था में आपके शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कम होने लगते हैं, ये जिससे शारीरिक क्षमता कमजोर होती चली जाती है। लेकिन इस तकनीक को अपनाने के बाद इंसान बढ़ती उम्र में भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेगा। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।